बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल अरबियतु मिन अस-सुहुफ़ वल मजल्लात के छोटे और मुख्तसर वीडियो में से तीसरी क्लिप, तीसरे मक्ता के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। हैरत सोग़ युशद्दिदु अला अन्न बाइडन क़लिक़ुन अला इसराइल मिन तसर्रुफ़ाति क़ियादतिहा। हैरत सोग़ इसराइल के वज़ीर आज़म का नाम है, और इस किस्म की चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा अखबारात का कारी होना भी ज़रूरी है, थोड़ा अखबारात को पढ़ना भी ज़रूरी है। खालाकाई ज़बानों के अखबारात ही हों, हिंदी के हों, उर्दू के हों, गुजरात में गुजराती के हों, या पंजाब में पंजाबी, या और भी मुख्तलिफ ज़बानों के जो अखबारात शाये होते हैं उन्हें पढ़ते रहना चाहिए। उन्हें अगर कोई छूता भी नहीं है तो फिर अरबी के अखबारात का समझना उसके लिए नामुमकिनात में से होगा। युशद्दिदु, ये फ़ैल मुज़ारे है, इसका माना है ज़ोर देकर किसी बात को कहना। शद्दद युशद्दिदु अला कदा, इस बात पर ज़ोर दिया है या इस बात पर ज़ोर देते हैं या देंगे। अन्ना बाइडन, बाइडन ये नाम है, अमरीकी सदर का नाम है जो बाइडन। क़लिक़ुन का माना परेशान, सिफत का सिगा है ये क़लिक़ुन, परेशान, फ़िक्रमंद। अला इसराइल, इसराइल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, इसराइल के बारे में परेशान हैं। तसर्रुफ़ात माना इक़दामात, तसर्रुफ़ात, हरकतें। क़ियादत लीडरशिप को और क़ियादत को कहते हैं। ये सुर्खी है, सुर्खी में फ़ैल मुज़ारे का तर्जमा कई मरतबा मैं कह चुका हूँ कि फ़ैल माजी से किया जाता है या हासिल मस्दर से किया जाता है। सुर्खी में यानी उनवान में, अखबारात के उनवानों में और सुर्खियों में आम तौर से फ़ैल मुज़ारे का इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए भी किया जाता है जो हो चुका है, यानी फ़ैल माजी की जगह पर फ़ैल मुज़ारे का इस्तेमाल बकसरत होता है सुर्खी में, उनवान में और ख़बर में नहीं होता। हैरत सूग़ युशद्दिदु अला अन्न बाइडन क़लिक़ुन अला इसराइल मिन तसर्रुफ़ाति क़ियादतिहा। इसराइली वज़ीर आज़म हैरत सूग़ ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि बाइडन यानी जो बाइडन, अमरीकी सदर जो बाइडन, इसराइल की क़ियादत या इसराइली लीडरशिप के इक़दामात से परेशान हैं। बाइडन, जो बाइडन इसराइल की क़ियादत के तसर्रुफात से या इकदामात से परेशान हैं। मुख्तसर सा उन्वान है, मुख्तसर सा क्लिप है, अच्छी तरह से सुने, समझें, बार बार पढ़ें, लफ्ज़ को समझें, मिजाज को समझें, जुमले की साख्त को समझें, इससे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।